Hello kids, welcome back. I am Vandana and we are learning Science of Class 3 by Brain Root series, and here's a book, Science Spark. Today we are going to start with chapter number 10 and the name is Measurement. So children, do you know what is measurement? Measurement means kisi cheez ko naapna. So what all we are going to learn in this chapter? We are going to learn measurement in olden days. Pehle cheezo ko kaise naapa jata tha? मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लेंथ को कैसे नापा जाए. मेजरमेंट ऑफ वेट, वेट मीन्स मास. मेजरमेंट ऑफ टाइम, मेजरिंग वॉल्यूम और कैपेसिटी. एंड मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर. सो दीज ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर. लेट्स स्टार्ट विद द वार्म अप एक्सरसाइज. ये व्हाट यू हैव टू डू इन द ए क्वेश्चन, यू हैव टू टेक दैट ऑब्जेक्ट दैट इज लॉन्ग, जो लॉन्ग है उसे टिक करना है. Cross that one is heavy, जो heavy है उसे cross कर दीजिए. Take the one that can hold less, ऐसी चीज़ को, इस उस object को tick करिए जिसमें कम चीज़ें आ सकती हैं. And what is the time in the clock? So it is 3 o'clock. Clear children? So you have to do this exercise yourself. In our everyday life, we measure different things such as heaviness of object, amount of liquid in a glass, length of cloth and time in a clock. तो हम क्या करते हैं अपनी रोज़ की जो लाइफ है उसमें बहुत सारी चीज़ों को मेजर करते हैं. किस कोई चीज़ कितनी भारी है, लिक्विड कितना अमाउंट में है, किसी चीज़ की लंबाई कितनी है, या घड़ी में क्या टाइम हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं. सो मेजरमेंट क्या है, ये है फाइंडिंग द नंबर दैट टेल्स अस अबाउट द साइज और अमाउंट ऑफ समथिंग. सो मेजरमेंट क्या है, ये एक तरीके का किसी नंबर को फाइंड आउट करना है जो क्या बताता है हमें, किसी चीज़ का साइज या फिर अमाउंट बताता है. देर आर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरिंग लेंथ, लेंथ को मेजर करने के लिए, वेट को मेजर करने के लिए, टाइम, टेम्परेचर, डिस्टेंस, रेनफॉल और वॉल्यूम को मेजर करने के लिए बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. जैसे कि आप देख सकते हो मेजरिंग इन फिजिकल बैलेंस. अभी फिजिकल बैलेंस आपने देखा होगा, इसमें आप एक तरफ सामान रख सकते हो, दूसरी तरफ आप वजन रख सकते हो और आप मेजर कर सकते हो. जैसा कि आपने देखा होगा कि ठेले पे जो सब्जी बेचते हैं या कोई सामान बेचते हैं उनके पास भी ऐसा ही कुछ बैलेंस होता है. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द मेजरमेंट इन ओल्डन डेज, पहले के टाइम में कैसे चीज़ों को मेजर किया जाता था. So in olden days, people used to measure length by comparing them with the length of some of their body parts, like the hand, arm, foot or steps. So पहले क्या होता था, लोग जो किसी भी चीज़ को measure करने के लिए अपने body parts को use करते थे. जैसे कि hand को use कर लिया, arm को use कर लिया, पैरों को use कर लिया या फिर steps को use कर लिया. तो मुझे इस pen को नापना है तो मैं अपने हाथ का use कर रही हूँ कि अच्छा इतना बड़ा ये पेन है. तो पहले ऐसे ही चीज़ों को मेजर किया जाता था. द क्यूबिट वॉज द फर्स्ट रिकॉर्डेड यूनिट टू मेजर लेंथ. क्यूबिट क्या था, पहला रिकॉर्डेड यूनिट था जिसे यूज किया जाता था मेजर करने के लिए लेंथ. बट दीज मेथड्स ऑफ मेजरमेंट कुड नॉट बी सेम फॉर ऑल. लेकिन ये जो मेजरमेंट के ये जो यूनिट्स थे ना, ये सेम नहीं थे हर किसी के लिए. किसी का हाथ छोटा, किसी का हाथ बड़ा. The length of an object differed from person to person depending on the length of their arms. तो ये जो length था object का, वो हर person का, क्योंकि अलग अलग तरीके का हाथ है, अलग अलग size का हाथ है, तो उसके according ये जो है vary करता था. Similarly, stones used by a different person differed in weight and the size of container used were also different. तो लोग जो है अलग अलग तरीके के वेइंग मतलब स्टोन को यूज़ करते थे वजन करने के लिए, अलग अलग तरीके के बर्तनों को यूज़ करते थे वजन करने के लिए. तो इस ये जो है एक्यूरेट, आप कह सकते हैं एक्यूरेट नहीं हुआ करता था. सो दीज डिफरेंसेज ऑफन लेड टू कन्फ्यूजन एंड क्वारल बिटवीन द पीपल. अब ये जो चीज़ें थी इसकी वजह से लोगों के अंदर झगड़े होने लगे और कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगा. तो आप देख सकते हो हैंड स्पैन कैसे नापते हैं, फ्रॉम हियर टिल हियर, यहाँ से यहाँ तक आपका हैंड स्पैन है. नेक्स्ट है आपका फुट स्पैन. फुट स्पैन देखिए कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक. फिर क्यूबिट, दिस इज क्यूबिट एंड दिस इज स्ट्राइड. सम सो पीपल फेल्ड टू द नीड टू कीप द मेजर ऑफ द थिंग यूनिफॉर्म फॉर एवरीवन. तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना ये जो मेजरमेंट है सबके लिए एक जैसा क्यों नहीं हो सकता.
they develop fixed measure to find out the quantity of different things. अब उन्होंने क्या किया, अलग अलग चीज़ों को develop करना शुरू किया, fixed measures start कर दिया quantity को find out करने के लिए. These fixed measures are called unit. और ये जो fixed measures हैं इन्हें units कहा जाता है. They are known as a standard unit of measurement. और इन्हें standard unit of measurement भी कहा जाता है. Let's learn measurement of length. अब length को कैसे measure किया जाता है. So length tells us how long something is. Length क्या है, हमें बताता है कोई चीज़ कितनी लंबी है. Earlier people used their body parts to measure the length of different objects. लोग पहले क्या करते थे, अपने body parts को जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो use करते थे चीज़ों को measure करने के लिए. Since this different people have different size body, क्योंकि अलग अलग लोगों के पास अलग अलग body shape था, अलग अलग body size था, the hand span, cubit and foot span are non-standard unit of measurement. तो ये जो चीज़ें थी hand span, foot span, ये सब जो है non-standard units में consider किया जाने लगा. We needed standard objects and unit for measuring, making measurement. अब हमें क्या चाहिए था, standard unit चाहिए था चीज़ों को measure करने के लिए. The standard unit for measuring length is meter. Meter है length को नापने के लिए हम use करते हैं. सेंटीमीटर इज अनदर यूनिट ऑफ लेंथ. सेंटीमीटर क्या है, लेंथ का ही एक दूसरा यूनिट है. इट इज़ यूज टू मेजर स्मॉलर लेंथ. छोटी छोटी चीज़ों को नापने के लिए हम सेंटीमीटर यूज़ करते हैं. वी यूज़ अ रूलर, अ मेजरिंग टेप और अ मीटर रॉड टू मेजर लेंथ. हम क्या करते हैं, एक रूलर मीन्स स्केल यूज़ करते हैं, मेजरिंग टेप यूज़ करते हैं या फिर मीटर रॉड यूज़ करते हैं चीज़ों को मेजर करने के लिए, लेंथ को मेजर करने के लिए. चिल्ड्रेन डू एंड लर्न दिस एक्सरसाइज. Measure the length of any one side of the following using a ruler. तो ruler की मदद से आपको क्या करना है, इनके side, एक side को measure करना है. आपकी जो school diary है वो कितने centimeter की है, आपका desk कितने centimeter का है, pencil box कितने centimeter का है या फिर आपकी जो scrap book है वो कितने centimeter की है, तो आपको इन्हें measure करना है. Here this is your ruler and measuring tape. Now children, do you know that lorry loads are measured using weigh ब्रिजेस. आपको पता है कि जो लॉरी लोड्स हैं उन्हें यूज़ किया जाता है मेजर करने के लिए वेइंग ब्रिजेस को. वेइंग ब्रिजेस से इन्हें मेजर किया जाता था इनके वजन को. नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ वेट. अब हम वेट को कैसे मेजर करते हैं, वजन को कैसे नापते हैं वो पढ़ेंगे. सो वी मेजर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग द वेइंग स्केल. वेइंग स्केल की मदद से हम आराम से किसी चीज़ का वजन नाप सकते हैं. बीम बैलेंस और एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस. या तो हम बीम बैलेंस यूज़ कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज़ कर सकते हैं इनको नापने के लिए. मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल्स अस हाउ लाइट और हैवी दैट ऑब्जेक्ट इज. सो जो मास है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो हमें बताता है कि कितना हैवी या फिर कितना लाइट है कोई भी ऑब्जेक्ट. द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग मास इज किलोग्राम. सो ये जो स्टैंडर्ड यूनिट है किसी चीज़ के मास को नापने का वो है किलोग्राम. The other commonly used units is gram. जो दूसरे units जिन्हें use किया जाता है measure करने के लिए उसे हम gram कहते हैं. Next है measurement of time. The period between two events or activities is called time. So दो चीज़ों के बीच का जो duration है उसे हम time कहते हैं. In the olden days people used sundial to find the time. पहले क्या होता था, लोग sundial को use करते थे time को find out करने के लिए. सो दिस इज योर सन डायल, इसे यूज किया जाता था पहले. एंड एज न्यू डिस्कवरीज हैव बीन मेड वी यूज आर क्लॉक और रिस्ट वॉच टू सी द टाइम. अब क्योंकि चीज़ें जो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुकी हैं तो अब हम क्या करते हैं, क्लॉक यूज करते हैं या रिस्ट वॉच यूज करते हैं टाइम को देखने के लिए. द यूनिट्स विच वी यूज टू मेजर द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम आर सेकेंड. तो टाइम को मेजर करने के लिए सबसे छोटा जो यूनिट है वो है सेकेंड, फिर आता है मिनट, फिर आता है आर. एंड दीज आर यूज टू मेजर बिगर पीरियड्स ऑफ टाइम. और ये जो है यूज़ किए जाते हैं बड़े टाइम्स को मेजर करने के लिए. नाउ लेट्स मूव ऑन टू टेस्ट योर स्केल. विच यूनिट वुड बी मोर एप्रोप्रिएट टू मेजर द मास. मास को नापने के लिए कौन सा यूनिट सही होगा, ग्राम सही होगा या फिर किलोग्राम सही होगा. सो हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है जैसे न्यूज़पेपर का पूरा बंडल है तो वो ग्राम में मेजर होगा या किलोग्राम में, इट विल बी इन केजी.
अब यहाँ पे हमारा एक टूथपेस्ट है, वो ग्राम में होगा या किलोग्राम में, सो यस इट विल बी इन ग्राम। सिमिलरली आपको इन दोनों के मेजरमेंट को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट इज मेजरिंग वॉल्यूम और कैपेसिटी। अब किसी चीज़ के वॉल्यूम या फिर कैपेसिटी को कैसे मेजर करते हैं? सो कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर इज द अमाउंट ऑफ लिक्विड इट कैन होल्ड। किसी भी कंटेनर की कैपेसिटी क्या होती है, कितना लिक्विड वो कंटेनर होल्ड कर सकता है। बोथ जग्स ए एंड बी हैव वाटर, दो जग्स हैं आपके पास, दोनों में पानी है। जग ए कैन फिल टू ग्लासेस, अब जग ए में दो ग्लास पानी आ सकता है। बी जग कैन फिल फोर ग्लासेस, अब बी जग में चार ग्लास पानी आ सकता है। तो ये क्या है, दो चीज़ें हैं जो आपको क्या है वॉल्यूम बता रही है किसी कंटेनर की, कि जग ए में जो है दो ग्लास आ रहा है तो जग बी में फोर ग्लास पानी आ रहा है। तो ये क्या बता रहा है, कैपेसिटी बता रहा है इन दोनों कंटेनर्स के। द जग दैट कैन होल्ड मोर जूस हैज़ मोर कैपेसिटी, वो जग जिसमें ज़्यादा जूस आ सकता है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, और जग बी जो है उसकी कैपेसिटी, यहाँ पे जो बी जग है उसकी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है। नाउ लीटर इज द कॉमनली यूज यूनिट फॉर मेजरिंग कैपेसिटी। कैपेसिटी को नापने के लिए लीटर जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ की जाने वाली क्या है यूनिट है। स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ लिक्विड आर मेजर्ड इन मिलीमीटर्स, जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं ना लिक्विड के, उसे मिलीलीटर में मेजर किया जा सकता है। लीटर इज व्हेन रिटन एज एल, लीटर को एल लिखते हैं और मिलीलीटर को एम एल लिखा जाता है। अ मेजरिंग सिलेंडर इज यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ लिक्विड, मेजरिंग सिलेंडर को यूज किया जाता है लिक्विड को मेजर करने के लिए। मेजरिंग सिलेंडर्स कम इन वेरियस कैपेसिटीज, सो ये जो मेजरिंग सिलेंडर आपके सामने, ये अलग अलग कैपेसिटीज के आते हैं, इन्हें यूज़ किया जाता है अलग अलग तरीके के लिक्विड को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, अब टेम्परेचर को कैसे मेजर करना चाहिए। द डिग्री ऑफ हॉटनेस इज नोन एज टेम्परेचर, किसी भी चीज़ का कितना, वो कोई भी चीज़ कितनी गर्म है, ये क्या है उसके टेम्परेचर को बताता है। वी कैन मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाई एन इंस्ट्रूमेंट कॉल थर्मोमीटर, अब हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को कैसे नाप सकते हैं, थर्मोमीटर से नाप सकते हैं। द थर्मोमीटर मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इन सेंटीग्रेड्स, अब थर्मोमीटर क्या करता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को सेल्सियस में मीन्स सेंटीग्रेड में मेजर करता है, या फिर फ़ारेनहाइट जिसे हम एफ स्केल भी कहते हैं। द टेम्परेचर एट विच वाटर बिगिन्स टू बॉयल इज 100 डिग्री सेल्सियस, तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल करना शुरू होता है, वेयर एज इट फ्रीजेज एट 0 डिग्री, और वो 0 डिग्री पे फ्रीज हो जाता है। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस, और हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। नाउ चिल्ड्रेन लेट्स मूव ऑन टू डू यू नो, सो डॉक्टर साइंटिस्ट एंड वेदर फोकास्टर्स यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स, आपको पता है कि जो डॉक्टर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, या फिर जो वेदर फोकास्टर हैं, वो अलग अलग तरीके के थर्मोमीटर्स को यूज़ करते हैं टू डू देयर वर्क करेक्टली, अपने काम को सही से करने के लिए। एलिफेंट्स यूज देयर ईयर टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, एलिफेंट्स क्या करते हैं अपने जो ईयर हैं उसे यूज़ करते हैं बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, सही रखने के लिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू flashback. In olden days, people used their body parts to measure different length. तो पहले इस time में क्या होता था, लोग अपने body part को use करते थे different length को measure करने के लिए. A meter is a standard unit of length. Meter क्या है, एक ये एक standard unit है length का. Weight is measured in gram and kilogram. जो वजन है वो gram और kilogram में measure किया जाता है. Volume is expressed in liter and milliliter. वॉल्यूम को लीटर और मिलीलीटर में नापा जाता है। टेम्परेचर इज एक्सप्रेस इन डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में नापते हैं। लेट्स मूव ऑन टू न्यू वर्ड्स, सो हियर द फर्स्ट वर्ड इज लेंथ, द साइज और मेजरमेंट ऑफ हाउ लॉन्ग समथिंग इज, ये क्या है लेंथ, और मास क्या है द अमाउंट ऑफ मटीरियल एंड ऑब्जेक्ट कंटेन्स, किसी ऑब्जेक्ट में कितना जो है मटेरियल है इसे हम मास कहते हैं। नाउ चिल्ड्रन लेट्स मूव ऑन टू बुक एक्सरसाइज, एंड हियर द ए एक्सरसाइज इज टेक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इज
डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर इज मेजर्ड इन, जो डिस्टेंस है दिल्ली से लेके जयपुर तक का वो कैसे मेजर करेंगे, क्या हम उसे मीटर में नापेंगे, किलोमीटर में नापेंगे, सेंटीमीटर में नापेंगे या फिर मिलीमीटर में। सो द करेक्ट आंसर इज किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। मिल्क इज मेजर्ड इन, मिल्क को कैसे नापते हैं हम, लीटर, मीटर, किलोग्राम या फिर मिलीग्राम। सो मिल्क को हमेशा हम लीटर में ही मेजर करते हैं। द लेंथ ऑफ अ क्रिकेट पिच इज मेजर्ड यूजिंग आ, जो क्रिकेट पिच होता है उसे कैसे नापा जाता है, उसके लेंथ को कैसे नापा जाता है, रूलर की मदद से, हैंड स्पैन की मदद से, मेजरिंग टेप की मदद से या फिर मीटर स्टिक की मदद से। सो वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू चिल्ड्रेन दिस क्वेश्चन नंबर 3 and 4 एज योर होमवर्क। Is it clear? Now let's move on to B exercise, which is fill in the blanks with the correct word. तो आपको क्या करना है, blanks को fill करना है दिए गए correct words के साथ। So the standard unit of length is, length का जो standard unit है वो क्या है, it is meter. Weight is measured in, weight को कैसे measure किया जाता है, it is measured in kilogram and gram. So it is kilogram and gram. So similarly children, you have to do the rest of the questions yourself. Now let's move on to C exercise, which is match the following. So here the first one is 1 meter is equal to 100 centimeter. So children, 1 gram is equal to 1000 milligram. Body temperature is measured with clinical thermometer. Weighing a gas cylinder is done on spring balance. Oil is measured in liter. So these are the answers, children. Quickly note them down. Now let's move on to D part, which is answer the following questions. So name any two measures that were used to measure length in olden days. सो ओल्डन डेज में हम किन चीज़ों को यूज़ करते थे, हम यूज़ करते थे हैंड स्पैन एंड फुट स्पैन। नेक्स्ट, डिफाइन मास, नेम द यूनिट फॉर मेजरिंग टेप यूज फॉर। सो दिस वन यू हैव टू डू योर सेल्फ, वॉट इज अ मेजरिंग टेप यूज फॉर। मेजरिंग टेप इज यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। नाउ हाउ इज टेम्परेचर मेजर्ड, टेम्परेचर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर। नेम द यूनिट फॉर मेजरिंग थर्मोमीटर। सो द यूनिट इज फारेनहाइट एंड सेल्सियस। सो चिल्ड्रेन द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 2, 5, 6, so these you have to do yourself and also you can elaborate the rest of the questions. With this we have completed the chapter. I hope it's clear to you. I'll be waiting for you with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.